सो है व्हाट्सअप गाइस लोग यार, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमॉन एज ग्रे। एंड यार पिछली बार हमने यहीं से कंटिन्यू किया था, तो हाँ इस बार भी हम ऐसा ही करने वाले हैं। एंड हाँ आज हम चलेंगे आगे। एंड यार आज हम लोग के पोकेमॉन एज ग्रे का टोटल 50 एपिसोड कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही बात है। एंड अब मैं मैक्स रिपल यूज़ कर लेता हूँ, हाँ क्योंकि इसी पे सारे पैसे फूके हैं हमने। ओके चलो, वह इतना लार्ज, इन सभी से बचना। ये क्या है भाई? इट्स अ लेटर इन अ बोतल। द लेटर रीड्स, इफ यू नो एनी थिंग अबाउट द पोकेमॉन कॉल्ड द क्रिस्टल ऑनिक्स, लेट मी रो राइट अवे। मरीसा फ्रॉम सनबस्ट आइलैंड। ओ अच्छा भाई, यही तो है सनबस्ट आइलैंड। ओके तो यहाँ से रास्ता होना चाहिए, हाँ यहाँ से। ओके इसे बात करते, ये तो रो रही है। You will strip keeping the crummy shop open. Have you not come out of business yet? No, sir. I don't see why you don't close you up shop. You got no merchandise. Tell your big brother he should give up already. He ain't no good, no talent. Yes, he does. He's very good. तुम्हें क्या है? तुम क्या कर रहे हो? Listen. इन लोग मेरे business को मार रहे हैं। एक मिनट। Thank you. मेरा बड़ा भाई मेटियो इस शॉप को चलाता है, but वो अभी बहुत उसे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वो अब और ग्लास नहीं बना सकता। मेरा नाम मरीसा है। तुम मुझे लेटर मिला था इन क्रिस्टल ऑनिक्स के बारे में। ओह तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, मुझे लगा तुम जानते हो। माय ब्रदर उस क्रिस्टल ऑनिक्स को पकड़ना चाहता है, प्लीज़ मे बी शायद तुम उसकी कुछ मदद कर दो। ये क्या मैट्यू? जब मेरे दादाजी इस शो पुचलाते थे वो बहुत सक्सेस था। ग्रैंडपा बहुत टैलेंटेड थे और वो बहुत खूबसूरत ग्लास के पोकेमोन के स्कल्पचर बनाते थे, लेकिन जब वो चले गए मैंने उनके कदमों पर चलने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं उनके जैसा अच्छा कुछ नहीं बना सकता और ना ही अपने शॉप को चला सकता। मेरे स्कल्पचर, उन्होंने कहा कि तुम क्रिस्टल ऑनिक्स को पकड़ो भाई, बहुत हो गया। यू मीन यू विल हेल्प मी लुकिंग फॉर दैट? वुड सो काइंड ऑफ यू। तो अब क्या यार, मैं ही पकड़ लूंगा इतने। ओके तो अब मैं क्रिस्टल ऑनिक्स को पकड़ना चाहता हूँ, बट कैसे? इससे बात करें। ओके तो कैसे पकड़ूंगा मैं? प्लीज कैन एनीवन टेल मी हाउ कैन आई कैच क्रिस्टल ऑनिक्स? ओके यार तो मुझे पता नहीं चल रहा है कैसे चला जाए। हाँ द टाइड इज लोअरिंग, देयर अपीयर्स टू बी अ सैंड बार कनेक्टिंग सैंड बस टू अनदर आइलैंड। वेट, ओ भाई पोकेमॉन मिल गया यार। ये टेंटाकुर मेरा पीछा कब छोड़ेगा? बीच से तो कुछ नहीं होना चाहिए। ओ भाई यहाँ तो वाइल्ड पोकेमॉन से। ओके लगता है हमें अंदर जाना चाहिए। ओ भाई साहब, ऑडिश ऑडिश नहीं ऐसे नहीं, ऑडिश ऑडिश। ओ भाई साहब, बालू में मैक्स रिपल क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ? मे बी अगर वो रिपल, दैट्स नॉट गुड मैन, इट इज सीरियसली नॉट गुड। ये पजल वजल हमसे मत करवाओ यार, अच्छा लगता है बेइज्जती कराना तो बोल दो, हम क्लाइम कर जाएंगे। ओ भाई क्रिस्टल ऑनिक्स शैडो दिखाओगा तुम्हें? देखो दिखा होगा, मैं दिखाता हूँ। यार मैं काफ़ी अच्छा हो गया हूँ इस सब चीज़ों में, सीरियसली। बेकारी में मैं आया गाइस। ओके आ जाओ, बहुत कूदना मत प्लीज, बहुत मेहनत किया उसके लिए। प्लीज हाउ कैन आई गेट देयर? यार मुझे अभी तक नहीं पता चला यहां से भी कोई रास्ता नहीं है। सो हाउ How can I know where is the way, man? Okay, nice. हम लोग आ गए।
अब भाई क्रिस्टालोनिक्स तू मेरा है। इज द क्रिस्टालोनिक इट इज स्टार्टिंग टू अटैक गो लैप्रेस। ओ भाई 75 लेवल का है, सीरियसली मैं इस पे क्या यूज करूँ? आइस बीम कैसा रहेगा? कुछ इफेक्टिव अटैक? अच्छा ये सही है। प्लीज फेंट मत होना। ओ भाई नहीं का। ओके गाइस, तो यार गलती से हमने इसे फेंट कर दिया। अमेजिंग आई फाइनली सीन द फॉर, मुझे लगा मैं इसे पकड़ लूँगा लेकिन नहीं हुआ। थैंक यू ऑनिक्स दैट यू फॉर यू दैट यू फॉर आ हमें कुछ दे दो भैया। बहुत गलत हुआ गाइस हमारे साथ, हमें तो कुछ मिला भी नहीं। हमारे आने का फ़ायदा क्या हुआ बताओ? एक रुपए की वैल्यू नहीं हुई हमारी। अब हमें कुछ दो। सींग द क्रिस्टलोनिक्स हैज इंस्पायर्ड मी, नाउ कांट स्टॉप मेकिंग क्रिस्टलोनिक्स फिगर, थैंक यू। कुछ ये लोग कुछ देता नहीं है। अब इनका क्या है? ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे हम आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ हुआ है धोखा। मुझे पकड़ना था क्रिस्टलोनिक्स बट अफसोस ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मैंने गेम भी सेव नहीं किया था। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे? चल 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 भाग।